हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि चेक। तो आज फिर से एक नया कंटेंट आप लोगों के लेके आ गया, और एक नई मूवी जो कि आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो कुछ बताया वो आज जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है यानी कोरोना वायरस, उस पर बहुत ही सटीक बैठता है। और मैं तो बोलूं कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस इस मूवी में बताया। ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 में और इस मूवी का नाम है कंटेगियन। और ये मूवी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगी। और ये कहां मिलेगी, आप कैसे देख सकते हो, ये मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक आप जरूर देखना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करता हूं कि अगर मैं आप लोगों के लिए इतने एफर्ट्स कर रहा हूं, तो आप लोग भी मेरे लिए एक छोटा सा काम करें। इस वीडियो के लिंक को जितना हो सके आप लोग अपने दोस्तों में, अपने दुश्मनों में, जहां मर्जी हो इसको शेयर करें, क्योंकि इस मूवी में जो कुछ बताया वो हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन उस पर बहुत ही अच्छी तरीके से फिट बैठता है। और क्या क्या प्रिकॉशन हम लोगों को लेना चाहिए वो भी ये फिल्म हमको बहुत ही अच्छी तरीके से बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो बेसिकली इस मूवी में हमें नजर आते हैं मैट डेमन, जूड लॉ, ग्विनेट पेल्ट्रो, केट विंसलेट और लॉरेंस फिशबर्न। यार इस मूवी की कहानी की बात करो तो कहानी शुरू होती है डे टू से। अब देखो मैं डे वन के बारे में नहीं बता रहा, क्योंकि डे वन के बारे में आपको इस मूवी के एंड में पता चलता है। यार इस मूवी की कहानी शुरू होती है डे टू से, यानी कि हांगकांग से, जहां पर एलिजाबेथ यानी ग्विनेट पेल्ट्रो गई होती किसी बिजनेस ट्रिप से। लेकिन वापसी में उसे शिकागो जाना होता अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने। फिर उसके बाद वो अपने रियल घर यानी मिनियापोलिस जाती है, जहां पर उसका हस्बैंड और उसके बच्चे रहते हैं। लेकिन इसी बीच उसको एक वायरस इफेक्ट कर लेता है। वो वायरस किस तरह से इफेक्ट करता है और वो फिर कितने लोगों को इफेक्ट करती है, फिर उसके बाद कैसे वो कुछ लोगों से पूरी की पूरी दुनिया तक वो वायरस फैल जाता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी कंटेजियन। अब मैं आपको बताता कि ये मूवी इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है। इस मूवी में जिस तरह से इस वायरस के बारे में बताया, वो वायरस समझ लो कोरोना वायरस का बाप है। और इसमें जितना लोगों की मौत होती वो इतना, मतलब समझ लो बुखार आता है, फिर खांसी कफ और उसके बाद जिस तरीके से उनका हार्ट बीट बंद हो जाता है, तड़प के मर जाते हैं। मतलब कोरोना वायरस में भी इंसान को बुखार आता है, खांसी और गले में दर्द, सेम टू सेम यहाँ पर भी सिम्टम्स बताए थे। लेकिन यहाँ पर जो मौत है वो कोरोना वायरस के जो पेशेंट है उससे भी ज्यादा खतरनाक यहाँ पर मौत बताई, जिसे देखकर आपको डर लगेगा। प्लस जो आजकल आप लोग सुनते होंगे न्यूज में कि इटली में किस तरीके से लॉकडाउन हो गया, यानी पूरा पूरा शहर बंद हो गया, या फिर चाइना का जो वुहान शहर या कुछ सिटीज है चाइना की, जिस तरीके से वो लॉकडाउन यानी कि पूरी की पूरी सिटीज खाली हो गई, वैसे ही कुछ मंजर आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलता है। और जो एक चीज कॉमन है वो चीज ये कि अगर आप देखोगे तो कोरोना वायरस आया है चाइना के वुहान से, और यहाँ पर जो एक वायरस है वो वायरस शुरू होते हैं हांगकांग से। तो बेसिकली यहाँ पर जो एक ही चीज कॉमन है वो है चीनी लोग। तो अब जो ये मेकर्स हैं उन लोगों ने ये कैसा सोचा कि भाई ये सब चीजें इन लोगों से ही आ सकती है, यानी ये चीनी लोगों से आ सकती है। तो उसका एक ही जवाब है, वो जवाब ये है कि भाई चाइना हो, आइलैंड हो, वियतनाम हो, हांगकांग हो, सिंगापुर हो, ये एक ऐसी सिटीज है, मैं तो बोलूंगा ऐसी कंट्रीज है जहां पर है ना भाई हर एक जानवर खाया जाता है। और सबको पता है कि कोरोना वायरस जिस जानवर से है उस जानवर का नाम है बैट, यानी कि चमगादड़। तो इस मूवी में भी कुछ चमगादड़ से रिलेटेड कुछ चीजें बताई है, लेकिन और भी कुछ बताया जो कि आप इस फिल्म में ही देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे। मेरा मकसद यह था कि इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि जो आजकल जो प्रेजेंट डर का जो माहौल हो रहा है ना वो इस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। और मैं तो इतना बोलूंगा कि सबको सावधानी बरतना चाहिए, जैसे कि दो दो घंटे में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि अपने हाथ अच्छे से वॉश करना चाहिए। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ मास्क पहनने से अगर आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, तो ये आप लोगों की सोच बहुत गलत है, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे वीडियोस आ रहे चाइना से और दूसरी सिटी से जहां पर जो इफेक्टेड लोग यानी जिनको कोरोना वायरस हुआ है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना मास्क हटा के अपने सलाइवा यानी कि अपने सब मुंह से कुछ निकाल के वो सब लगा रहे हैं उस पोल पे या कहीं पे भी। तो क्या था, अभी आप लोगों को क्या पता कि उस पोल पे क्या था, आप लोग उस पोल को टच करोगे फिर उसके बाद आप अपने यहाँ हाथ लगा दिए नाक पे, तो बस वो समझ लो उसके वायरस आपके नाक के थ्रू आपके पूरे इफेक्ट कर देगा बॉडी पे। तो बस इतना बोल रहा हूं मैं कि मास्क तो पहनो चलो बात की बात है, लेकिन हर दो दो घंटे पे अपना हाथ सैनिटाइजर से अच्छे से धो, और उसके बाद यहाँ यहाँ कहीं पे भी लगाओ, हाथ मुंह धोना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ आप अपने लिए मत करो, आपकी फैमिली के लिए करो, अपने बच्चों के लिए करो, सबके लिए करो, और इस चीज से जितना बच सके बचो। और जब लोग कोई खांस रहे या छींक रहे तो उससे एक दूरी बनाए रखो, और मेक श्योर कि जो खांसा है उसको भी बोलो कि भाई अब तुमने खांसा तो प्लीज सैनिटाइजर से हाथ मुंह धो लो जरा अच्छे से, उसके बाद रहो। क्योंकि ये जो वायरस है आपको लग रहा है कि बहुत छोटी मोटी चीज है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत बड़ी चीज है। और अगर आप इस फिल्म में देखोगे तो आपको वो डर, वो दहशत आपको जबरदस्त फील होगी। और सच बता रहा हूं, मैं कल रात को मूवी देख रहा था, जो मैं फील कर रहा था वो मैं आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि इस मूवी में जिस तरह से बताया ना एकदम रियल लगता है आपको। और आप
कुछ देर में ऐसे सोचते कि वाकई में ये वायरस ही हमारे पूरे वर्ल्ड में आ गया और भाई हमको किसी भी तरीके से इस वायरस से बचना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करना और हाँ अरहान एंटरटेनमेंट को जरूर सब्सक्राइब करना। और अब मैं आपको बता दूं कि ये मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी। देखिए ये मूवी आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है या तो आप इसकी डीवीडी ले सकते हो। तो मैंने इसका डीवीडी लेके ही देखा हूं क्योंकि ये स्टोर्स पे आपको अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको इंटरनेट से ये मूवी देखनी है तो मैं कोशिश करूंगा, अगर इस वीडियो को 1000 लाइक्स मिल जाती है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ये मूवी का लिंक डाल दूंगा जहां पर आप उसे हिंदी में देख सकते हो, वो भी ऑनलाइन देख सकते हो। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, 1000 कम से कम 1000 लाइक्स दिलाओ इस वीडियो को। मैं इसको डेफिनेटली शेयर करूंगा, मुझे पता है जल्दी जल्दी हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो भी मैं सिर्फ आप लोगों के लिए इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दूंगा। तो बस मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। चल जाए, दुआ में याद रखना। मैं हूँ राजेश शेख और आप सब अरहान एंटरटेनमेंट। बाय।